गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फोर्थ एक्सरसाइज चैप्टर एट और सिंप्लीफिकेशंस। क्लास फोर्थ में आज हम चैप्टर नंबर एट, चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। इसकी एक्सरसाइज ए जो है वो पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशंस का मतलब होता है सरल करना, मतलब कोई सी चीज़ दी गई है उसको आप समझाने के लिए कितने सही, मतलब कितने सही तरीके से आप उसको आसानी से कर दें ताकि सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी बात जो है आसानी से समझा सकें। सिंप्लीफाई, जिसे हमारा दे रखा है 24 × 6/3। यहाँ पर दे रखा है 24 को हम किससे इंटू करेंगे, 6 से इंटू करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करना है। सबसे पहले इस सवाल को करने का तरीका है, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर इंटू करेंगे, करते हैं, फिर प्लस और लास्ट में बेटा माइनस। ठीक है, इस सवाल को करने का तरीका मतलब सरल करना, सामने वाले व्यक्ति को जिससे इसको आसानी में समझने में आसानी हो। तो बेटा सबसे पहले मैंने चिन्ह काय का लगा रखा है, डिवाइड मतलब भाग करते हैं, भाग करने के बाद फिर हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हम उसमें प्लस अर्थात जोड़ करते हैं और आखिरी में माइनस अर्थात कटाव करते हैं। सबसे पहले यहाँ तरह का है 24 × 6/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस संख्याओं को करना रहता है एक स्टेप में केवल एक ही संख्या को हल करते हैं। 24 ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, इंटू का चिन्ह लगाएंगे, 6/3, 6 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा मेरा यहाँ पर 2। अब 24 को जब हम 2 से इंटू करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, डिवाइड करना था डिवाइड करा, जो संख्या को करना रहता है उसको ही लिखते, बाकी संख्या ऐसी की ऐसी नीचे उतार देते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये दो संख्या बची है, इसका मतलब है इन दो संख्याओं को हम क्या करेंगे आपस में इंटू करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। 24 × 2, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4। मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर 4 × 8। 24 × 6/3 को यदि मैं करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 48। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 / 8 - 3। इसका मतलब क्या हुआ, 48 को मेरे को 8 से डिवाइड करना है, जो मेरा आंसर आएगा उसमें मैं क्या करूँगा उसको उसमें से 3 को माइनस कर दूँगा। सबसे पहले इस संख्या को मैं हल करने का प्रयास करूँगा, 48 को किससे डिवाइड करूँगा मैं, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल बोलिए, देखिए 48 कितने टाइम्स आते हैं बताइए, 6। ठीक है, इन दो को हल करा मैंने तो मेरा आंसर क्या आया, सरल कर मेरा आंसर क्या आया 6। अब 6 में से किसको माइनस करूँगा मैं यहाँ पर 3 को, अब 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, ये मेरा आंसर आया। अब यहाँ पर दे रखा है 72 + 48 / 8। सबसे पहले मैं इसको हल करूँगा, मैं बार बार इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर इंटू करते हैं, फिर प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। अब यहाँ पर बेटा इस संख्याओं को हल करेंगे, आंसर वापस मेरा क्या आएगा 72 में ऐसे कैसे ही लिखूँगा प्लस, आंसर मेरा यहाँ पर कितना आएगा 6। अब बेटा इंटू है नहीं तो अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 72 और 6 को प्लस कर देंगे, मेरा आंसर क्या आएगा 78। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई क्या? चलिए बेटा एक दो बार सवाल में जैसे जैसे अपन आगे करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठना प्रारंभ होती है। 327 × 25/5 + 80। इस सवाल में सबसे पहले हमको डिवाइड किन संख्याओं के बीच में दिख रहा है बताइए मुझे, 25 और 5 ये दो संख्या है, इसके मुझे डिवाइड करना है, जिन संख्याओं को डिवाइड करना है उस संख्या को डिवाइड करूँ, बाकी पूरी संख्या में ऐसे की ऐसी लिखूँगा। 327 × 25 को 5 से डिवाइड करूँगा, मेरा आंसर क्या आएगा 5 + 80। डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद कौन सा चिन्ह लगाए बेटा यहाँ पर इंटू, इंटू किन दो संख्याओं के बीच में होगा, जिन दो संख्याओं के बीच में होगा उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 327 × 5। 5 का टेबल 7 टाइम्स बोलूँगा, 7 का टेबल 5 टाइम्स बोलूँ, बात क्या है एक ही है, 5 × 7 = 35, 35 के कितने लिखेंगे यहाँ पर 5, ये 3 को अपन यहाँ कैरी किसके ऊपर लिख देंगे 2 के ऊपर, 5 × 2 = 10, 10 में 3 प्लस करेंगे 1, 3
थर्टीन, केरी कितने आ जाएंगे बेटा मेरे वन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन में वन प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 1616, मतलब टोटल मेरा आंसर क्या हो गया 1635। ये 1635 बेटा कहाँ से आए, जब मैंने 327 और 5 को इंटू कर दिया, अब इसमें प्लस का चिन्ह है 80, ये मैं यहाँ पर 80 का क्या करूँगा इसको प्लस कर दूँगा, यहाँ 5 8 प्लस 3 कितने होंगे 11, केरी 1, 1 में 6 प्लस करेंगे 7 और यहाँ पर आएंगे 1, आंसर क्या आएगा मेरा 1715। समझ में आ गया बेटा आपको यहाँ तक। चलिए इसी प्रकार अगले सवाल को देखते हैं, 570 माइनस 220 डिवाइड बाय 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 220 को किससे डिवाइड करूँगा मैं, 10 से करूँगा, तो 570 मेरा ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है। अब 220 को मैं यदि 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा 22। देख लीजिए क्या 22 आता है या नहीं आता है, 10 से डिवाइड करेंगे 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, यहाँ पर आएंगे 2, इधर आएंगे 0, ब्रिंग डाउन 0, 10 टू जा 20, आया आंसर 22। चलिए 570 में से मैं कितने माइनस करूँगा, 22 को क्या कर दूँगा माइनस कर दूँगा, 0 में से 2 माइनस नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 7 बोरो 1, इसके पास कितने हो जाएंगे 10, 7 के पास अब कितने बचेंगे 6, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और यहां पर आएंगे 5, आंसर क्या आएगा मेरा 548, ये मेरा इसका आंसर आया। चलिए इसी प्रकार अगले सवाल में देखते हैं, 3587 प्लस 45,893 माइनस 28,340। अब बेटा इस वाले सवाल में यहाँ पर मेरे पास डिवाइड भी नहीं है, इनटू भी नहीं है, इसलिए अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसमें प्लस करूँगा, किन संख्याओं का बीच प्लस करूँगा, इन दो संख्याओं का बीच में प्लस करूँगा, 45,893 और 3587, इन दो संख्याओं को सबसे पहले मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा, 3 में 7 प्लस करेंगे 10, केरी कितने आ जाएंगे 1, 1 में 9 प्लस करेंगे 10, 10 में 8 प्लस करेंगे तो 18, केरी हो जाएंगे 1, 1 में 8 प्लस करेंगे 9, 9 में 5 प्लस करेंगे 14 के 4 लिखेंगे और केरी कितने लिखेंगे बेटा 1, 1 में 5 प्लस करेंगे 6, 6 में 3 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 9 और इधर कितने लिखेंगे अपन 4, 49,480 माइनस 28,340, इसमें से अपन क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे 28,340, 0 यहाँ पर 4, 1, 1, 2, मेरा आंसर क्या आएगा 21,140। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है बेटा। इसी प्रकार अपन आगे के और सवाल करने का प्रयास करते हैं, याद रखा है 4200 डिवाइड बाय 35 प्लस 5834 माइनस 250। सबसे पहले करने का तरीका बार बार बता रहा हूँ बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4200 को किससे डिवाइड करेंगे 35 से डिवाइड करेंगे बेटा, जिस सवाल को सबसे पहले करते हैं उसके अपन ये करते हैं, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं ताकि आपके दिमाग में बार बार फोकस बने, 4200 डिवाइड बाय कितना है बेटा 35, 35 पंजा 35, 12 माइनस 5 7, ब्रिंग डाउन 0, 35 टू जा 70। अब बेटा ये जो यहाँ पर फुल डिवाइड हो चुका है इसलिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे एक जीरो लगा देंगे, आंसर क्या आएगा बेटा हमारा 120 प्लस 5834 माइनस 250, 120। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 120 प्लस 5834, यहाँ आएंगे 4595, 5954 माइनस 250 बेटा, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं,
5954 में से अपन कितने माइनस करेंगे, 250 को माइनस करेंगे, यहाँ 4, यहाँ 0, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यहाँ आएंगे 5704, ये मेरा आंसर हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल जो है 78560 माइनस 20340 प्लस 30080 माइनस 3333। अब यहाँ पर डिवाइड भी नहीं है, इनटू भी नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब प्लस भी करेंगे तो सबसे पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक क्रम में लाएंगे और माइनस माइनस वाली संख्याओं को उसी क्रम में बाद में लिखेंगे। तो 78560 प्लस 30080 माइनस 20340 माइनस 3333। 78560 में से प्लस कितने करेंगे, 30080 को प्लस करेंगे बेटा 0, 6 प्लस 8 14 के 4 कैरी 1, 1 में 5 प्लस करेंगे तो 6, यहां पर आएंगे 8, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10। मेरा आंसर क्या आएगा, 1,10,000 lakh, 1,08,640। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस को भी प्लस करेंगे बेटा, प्लस प्लस होते हैं, प्लस प्लस को जब आपस में प्लस करते हैं तो प्लस होते हैं, और माइनस माइनस को भी आपस में जब प्लस करते हैं तो प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह काय का रहता है, माइनस का रहता है। माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा बेटा, माइनस का रहेगा। 2340 इसमें कितने प्लस करेंगे, 3333, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ आएंगे 2, कितना आएंगे, माइनस 23673। कितने माइनस करेंगे, 1,08,640 माइनस 26673। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा, 8। आंसर क्या आएगा मेरा, 81,967। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2894 प्लस 440 डिवाइड बाय 10 इंटू 43 माइनस 643। सबसे पहले हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे, 2894 प्लस, जब वो 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 44 इंटू 43 माइनस 643 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब डिवाइड हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे 2894 प्लस, इन दोनों को संख्याओं का क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। यदि आपको 43 का टेबल नहीं आ रहा है इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अलग अलग संख्याओं से डिवाइड इनटू कर रहा हूँ। 4 3 12 केरी 1, 4 3 12 में 1 प्लस करेंगे 1 3 13, 4 4 16 केरी 1, 4 4 16 में 1 प्लस करेंगे तो 1 7 17, 2 9 8 1 1892 माइनस 643 प्लस। अब इन दो संख्याओं को प्लस करेंगे, 2894 1892, 4 plus 2 6, यहाँ 18 केरी 1, 4786 माइनस 643 4143 ये आंसर आएगा हमारा। इसी प्रकार लास्ट वाले सवाल को समझेंगे, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, और इस प्रकार के दो सवाल और तीन सवाल और देखते हैं अपन, ताकि आपके दिमाग में सवाल को करने का सही ढंग से तरीका समझ में आए, सवाल को करते कैसे हैं। अब यहाँ पर दे रखा है 16 इंटू 4, 16 इंटू 8 माइनस 4,
अब बेटा सबसे पहले मैंने बताया था कि डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पर इस संख्याओं के बीच में क्या आपको डिवाइड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो डिवाइड नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइड के बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटू। तो किन संख्याओं के बीच में अपन इंटू करेंगे, 16 × 8। बोलिए बेटा 16 का टेबल हम कितने टाइम से बोलेंगे, 8 टाइम बोलेंगे, बोलिए 128 − 4। अब 128 में से यदि मैं 4 माइनस करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 124। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 / 5 × 6 − 3। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले 20 और डिवाइड किन संख्याओं के बीच में होगा बेटा, मैं बार बार आपको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि पहले स्टेप में सवाल क्या करना है। अब 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 × 6 − 3। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी हो चुकी है, सेकंड स्टेप में इंटू किन संख्याओं के बीच में, तो 4 और 6 के बीच में हम इंटू करेंगे, 4 6 जाए कितने होते हैं 24 − 3। ये दूसरी स्टेप भी बार कर लिया अपन ने, अब 24 में से 3 को अब प्लस है नहीं, इसलिए अब हमको केवल माइनस करना है, तो 24 में से हम कितने माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 21। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 121 / 11 × 5 − 63। सबसे पहले हम किन संख्याओं को डिवाइड करेंगे, 121 को यदि मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 11। आप भी देख लीजिए क्या वास्तव में 11 आता है या नहीं आता है, 11 बन जा 11, 2 वैसे 1 माइनस करेंगे 1, इधर आएंगे 0, ब्रिंग डाउन 1, मतलब 121 को यदि मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 11। इंटू किसके साथ करेंगे बेटा, इसमें 5 − 63। अब हमारी अगली स्टेप में हमको क्या करना है, सबसे पहले इन दो संख्याओं को हल करेंगे, 11 का टेबल 5 टाइम बोलें कितना आएगा, 11 5 जा 55 − 63। अब क्या करेंगे, 55 में से किसको 55 में से किसको माइनस करना है बेटा, अपने को 63 को माइनस करेंगे, तो 63 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 13 − 5, यहाँ पर आएंगे 8, और 5 − 5 माइनस करेंगे यहाँ पर आएंगे 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है 8, लेकिन मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस 8 इसके लिए आया बेटा, क्योंकि जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, तो बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सी है, 55 बड़े हैं या 63 बड़े हैं, बेटा 63 बड़े हैं, लेकिन बड़ी संख्या के आगे बेटा चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, इसलिए मैंने यहाँ आंसर के आगे क्या लगा दिया है, माइनस। ये बेटा इसके लिए बताया आपको ताकि आपको ध्यान रहे कि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा रहता है वही हमको क्या करना रहता है, लगाना रहता है। थैंक यू बेटा।